रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर आपको मैं ऑयल चेंज करने का तरीका बताऊंगा। आपको ऑयल चेंज करने के लिए किस तरह कोई बर्तन हो जिसमें आप ऑयल निकालें वो चाहिए होगा। 17 नंबर का अगर 70 बाइक है तो 17 नंबर की चाबी पाना या कोई भी गोटी इस तरह की है जिससे आपका 17 का काबला खुल जाए ऑयल वाला, तो वो आपको ज़रूरत पड़ेगा। तो 17 के काबले को अभी खोलेंगे आपके सामने। इस तरह के पाना है हमारे पास, इसके साथ हम ये आपको नज़र आ रहा है ये नीचे वाला काबला, इस तरह का ये खोलना है। खोलकर ऑयल को निकालना है इधर से। और एक बात आपको बताएं कि मुकम्मल ऑयल को आपने जो है इंजन से निकालना है, पुराने ऑयल को। अगर आपके पास कंप्रेसर है उसके साथ हवा मार के आप निकाल लें, या उसके अलावा आप बाइक को टेढ़ा करके जिस तरह भी निकालें, लेकिन ऑयल को मुकम्मल निकालना है इंजन के अंदर से। अब इस ऑयल को खोलेंगे, बाइक निकालेंगे और उसके अलावा ऊपर से हवा मारेंगे, फिर नया ऑयल डालेंगे। नया इस बाइक के अंदर जो हम ऑयल डालेंगे वो ये पड़ा हुआ है हमारे पास जेक का ऑयल, ये हम डालेंगे इसके अंदर। ये 70 ये जेक 20W50 ये ऑयल डालेंगे इसके अंदर, 700 ml ये आपके सामने। ये ऑयल इस मोटरसाइकिल के अंदर डालेंगे। ये देखें, ये ऑयल निकल रहा है। इसको जब तक ये निकल रहा है सही, इसको निकलने दें। उसके बाद जो इसके अंदर रहता है उस साइड से जाके दूसरी साइड से गेज खोल के ऊपर से हवा मारनी है ताकि सारा ऑयल जो है बाहर निकल जाए। ये इसके अलावा टेढ़ा करें फिर भी ऑयल बाहर निकलता है, टेढ़ा करने से भी। बाइक को जो है दाईं साइड भी आप टेढ़ा करेंगे, उससे जो है ऑयल बाहर जो है इंजन के अंदर से ऑयल बाहर निकलेगा। ये सारा ऑयल देखें बाहर निकल रहा है आस्ता आस्ता। ऑयल कोशिश करें सारा इंजन के अंदर से बाहर निकालें, ऊपर नया साफ ऑयल डालेंगे तो इंजन जो है पहले से बेहतर काम करेगा। ये देखें, अभी इधर से ऑयल आना बंद हो गया। अभी बाइक को थोड़ा सा जो है दाईं साइड भी आपने टेढ़ा करना है। ये देखें टेढ़ा किया, ये आपके सामने है। इसके नीचे जो है ये चिकन मैट लगा हुआ है, इस वजह से इसके साथ ऑयल लग रहा है। बकाया जो है सीधा नीचे कढ़ाई के अंदर ऑयल जाता है। इस तरह मुकम्मल निकाल कर कंप्रेसर से हम इसके अंदर हवा मारेंगे। ये आपको ये सामने कंप्रेसर नज़र आ रही है, ये पाइप उतार के इसके साथ हम कंप्रेसर के साथ हवा मारेंगे, मुकम्मल ऑयल इसका जो है बाहर आएगा। ये देखें, इस तरह आपने इसके अंदर इस तरह हवा मारनी है ताकि सारा ऑयल बाहर निकल जाए। ये देखें, हवा मारने का फ़ायदा ये होगा ना कि आपका जितना भी इंजन के अंदर पुराना ऑयल पड़ा है वो सारा हवा के ज़रिए से जो है आप मारेंगे, तो उसके जो प्रेशर होता है हवा को उसके ज़रिए सारा ऑयल नीचे कढ़ाई के अंदर निकल जाएगा। हवा मार के उसके बाद आपने कोई और काम नहीं करना। इस तरह वाला जो काबला है उसको आपने जो खोला है ऑयल वाला नीचे इंजन से, उसको दोबारा लगा के ऊपर से ऑयल कीप के साथ डालेंगे। अभी आपके सामने दिखाते हैं आपको। इस काबले को आपने वापस जो है लगा देना उसी अपनी जगह पे, लगाकर सही तरह आपने पानी के साथ टाइट करना है ताकि जो है लिया, अगर ढीला रह गया तो फिर जो है ऑयल आपका लीक करेगा इस काबले से। इसको बिल्कुल ढीला नहीं छोड़ना, आपने फुल टाइट करना है। फुल टाइट करके उसके बाद जो है ऑयल आपने ऊपर से डाल देना है। कोई भी मुश्किल काम नहीं है, घर में आप आसानी के साथ ऑयल को तब्दील कर सकते हैं। कोई मुश्किल काम इसके अंदर नहीं है। अभी काबला लग गया। अब इस तरह वाले जो पाना है उसके साथ इसको टाइट करेंगे मुकम्मल, ताकि फुल टाइट हो, ढीला ना रहे ये। मुकम्मल टाइट हो गए। अभी गेज लेंगे ऑयल की, जिसके साथ हम ऑयल डालेंगे, ये आपके सामने है। और ये जेक का ऑयल है, ये अभी हम जो है बाइक के अंदर डालेंगे आपके सामने। इस साइड से आपने जो है डालना ऑयल, इस तरह डालना है आराम से ताकि आपका ऑयल जो है गेज से बाहर ना निकले। आराम आराम से ऊपर से डालना है ताकि जो इंजन के अंदर जाए उसके अलावा बाकी जो ऑयल है वो बाहर ना आए। ये देखें, ये जेक का ऑयल है 20W50। इस बाइक के अंदर यही यूज़ ऑयल करते हैं, ये पहले भी यही ऑयल डालते हैं, अभी भी यही ऑयल हमने डालना है इसके अंदर। ऑयल कोई भी हो लेकिन ऑयल जो है होना एक नंबर चाहिए। आराम आराम से डालना है इस तरह ताकि आपका ऑयल जो है बाहर ना गिरे। ये ऑयल सारा हमने डाल दिए।
इसको आपने एक कद मिनट इधर छोड़ना है ताकि गेज के साथ और बॉटल के अंदर जो ऑयल है वो सारा जो है निकल कर इंजन के अंदर चला जाए। 700 ml मकदार होती है, अगर उससे कम होगा तो फिर भी आपके बाइक को जो है नुकसान हो सकता है। अगर आपके बाइक में सील वगैरह जैन वगैरह की लीकेज है तो इस वजह से आपके बाइक को इंजन को नुकसान हो सकता है। उसके बाद आपने बॉटल भी उठा देनी है, कीफ भी उठा देनी है, और जो है अपनी जो इंजन वाली गेज है उसको टाइट करके और साफ़ करके उसको लगा देना है। इसको ढीला नहीं छोड़ना है, इसको टाइट ज़रूर करना है। ये देखें कोई भी मुश्किल काम इसके अंदर नहीं है, हमारा ऑयल चेंज हो गया जो है बाइक का। तो अभी देखें इसके अंदर कोई मुश्किल काम नहीं है, आप ख़ुद भी घर के अंदर ये ऑयल चेंज कर सकते हैं। वीडियो अच्छी लगे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।